राधा, तुमने इस दामिनी का सच ना बताकर ना बहुत बड़ी गलती कर दी। मैं इन माँ बेटी को अच्छी तरह से जानती हूँ। इन्हें तो बस मौका चाहिए होता है कोई ना कोई नया कांड करने का, लेकिन इस बार इनकी नई चाल से पहले ही तुलसी इन्हें मात जरूर देगी। मोहन आज राधा को हॉस्पिटल से घर ला रहा है। जो भी सामान हाथ लगे सब लपेट लेते हैं, पता नहीं यहाँ से कहाँ भागना पड़ जाए। जय कृष्ण भगवान भाग्य बिहारी। मम्मा, ये सब क्या फालतू का सामान बटोर रही हूँ, इसको रखो ना। क्या है ये? प्रॉपर्टी के कुछ पेपर्स हैं और कुछ कैश है जो मैंने बचा कर रखे थे मुसीबत के वक्त के लिए। अब इससे बड़ी मुसीबत हमारे साथ क्या ही हो सकती है, तो इससे काम चल जाएगा कुछ दिनों के लिए। अरे वाह बिटिया वाह, क्या दिमाग पाया है तुमने। सच बताएं, इतने पैसों से कुछ साल तो हमारे ऐश से कट जाएंगे। हाँ तो ठीक है मम्मा, लेकिन मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा है कि राधा ने मोहन को सच क्यों नहीं बोला। उसके दिमाग में ना पक्का कोई बड़ा सा प्लान चल रहा है। बात तो तुम्हारी सही लग रही है। हमें तो लगता है बिटिया कि वो सीधा पुलिस को लेकर ही आ जाएगी और हम दोनों को जेल भिजवा कर ही रहेगी। देख बिटिया, अगर ये घर घर वाला मामला होता ना तो हम थोड़ा रो धो लेते, थोड़ी नौटंकी कर लेते और अपने आप को कुछ भी करके बचा लेते, लेकिन अब पक्का पक्का वो ढाई फुट चुड़ैल हमें जेल भिजवा कर ही मानेगी। मम्मा, अगर उसका इरादा हमें पुलिस के पास या जेल भेजने का है तो हमारा इस घर में रहना ठीक नहीं है। जल्दी करो ना, हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है। अगर राधा ने अब तक मोहन को और घर वालों को सब कुछ बता दिया होगा ना, तो वो लोग पुलिस को लेकर यहाँ पे आ रहे होंगे। उनके आने से पहले हमें जल्द से जल्द यहाँ से निकलना ही होगा। चलो ना। मैं जानती थी राधा को कोल्ड स्टोरेज में बंद करने वाले तुम दोनों ही थे, और इसीलिए इस तरह चोरों की तरह भाग रहे हो ना, क्योंकि तुम्हें डर है कि तुम्हारा सच सबके सामने आ जाएगा, है ना? ओ गॉड, ये तुलसी आ गई, भूतनी आ गई। बाहर कैसे जाएंगे मम्मा? चलो मम्मा। इतने लालची हो आप दोनों,
पैसे चोरी किए बिना तो आप दोनों यहाँ से जाती नहीं। यही तो है आपकी असली कमजोरी। बिटिया, बिना पैसों के भाग के करेंगे क्या? अरे भूखे मर जाएंगे, पैसे तो चाहिए ना। पकड़ो पैसे। अरे बिटिया, हमारी मदद कर। ए, आगे। माँ ठीक हो? कहाँ से ठीक होगी? पकड़। क्या हुआ? कुछ नहीं। ये कुछ नहीं के भी आंसू होते हैं, ये ना पता चला। मोहन जी देखिए ना, ये चोट, ये निशान, अब लगता है जैसे पूरा जीवन इन निशानों के साथ ही हमें गुजारना होगा। ये कभी जाएंगे ही नहीं। मुझे भी नहीं जाने वाले निशान कैसे तो लग रहे हैं। अरे ओए मजाक कर रहा हूँ यार, मतलब डॉक्टर ना ऐसी दवाई दे देंगे कि निशान का नामो निशान चला जाएगा। ठीक है ओए, अगर फिर भी निशान रह गया ना तो मेरे लिए तो तुम सुंदर थी, हो और हमेशा ही रहोगी। और किसी भी निशान में ना इतनी ताकत नहीं कि तुम्हारी खूबसूरती कम कर सके। हे भाग्य बिहारी जी, क्या कहा आपने? सुंदर। हम आपको सुंदर लगते हैं ऐसे भी? तुम्हारे से ना बात करना ही बेकार है, बस अपने मतलब की चीज पकड़ के बैठ जाती हो तुम। सुंदर? अच्छा मोहन जी। हाँ। हम कुछ भी नहीं कहेंगे, आप बताइए ना आप क्या बोल रहे थे। बोलकर हो गया, कुछ देने की बारी है। क्या? ये तुम्हारे लिए चक्कर पहन लेना। हमारे लिए? ये साड़ी हमारे लिए? नहीं बाबा, मेरे लिए। सोचा हॉस्पिटल में पहनकर घूमूंगा तो जो बिल है तुम्हारे लिए ना, और किसके लिए है? अच्छी है ना? बहुत सुंदर है। बॉर्डर वाली है? हाँ वही तो देख रहे हैं। महंगी लग रही है। आप क्यों खरीदने गए? हमारे पास तो वैसे ही इतनी सारी साड़ियां हैं ना। हाँ तो एक काम करो ना, ये इसे खिड़की से बाहर फेंक दो। मतलब कुछ भी बोलते रहते हैं आप। ठीक है तो हम नहीं फेंकेंगे, मैं इसे ना केतकी को दे देता हूँ। उसे वैसे भी गिफ्ट लेने में ना वो चिक चिक नहीं करती। लाओ मैं। क्यों देंगे आप उन्हें? माना कि वो आपकी बहन है, पर आज कौन सा रक्षाबंधन है जो आप उनको ये उपहार देने जा रहे हैं? हमारे लिए हमारा ही रहेगा। हाँ, तो जब प्यार से दे रहे हैं तो ले लो ना, फिर प्यार से लेकर आए तुम्हारे लिए साड़ी और बदले में चिक चिक सुनने को मिले तो अच्छा लगता है। नहीं, क्या? नहीं, माफ कर दीजिए। वैसे मैचिंग है। मैचिंग? हाँ, ये तुम्हारे गाल पर निशान है ना, उससे मैच कर रहे हैं। अरे वो तो चले जाएंगे, तुम टेंशन के लिए, मजाक कर रहा था मैं। पैन क्या थे? एक पैर पर मुर्गा बन। नहीं, दोनों पैर पे बन जाओ। नहीं, बिना पैर के। अब मत ही बनिए। मुस्कुराए ना फिर। धन्यवाद। हाँ।
अरे यार पकड़ बिटिया पकड़। कहाँ गई कहाँ गई? मम्मा ध्यान से गिरना मत। काश ऐसा थप्पड़ आपने दामिनी को बचपन में ही मारा होता तो आज ये ऐसे नहीं निकलती। लेकिन इसमें इसकी भी गलती नहीं है, जैसी माँ वैसी बेटी। इसका इनाम तो आपको भी मिलना चाहिए ना कावेरी मौसी। पैसा छोड़, हम लोग यहाँ से भागते हैं। ये लोग आते ही होंगे, अगर राधा ने मुंह खोल लिया तो हमारा भांडा फूट जाएगा। चल 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 चल। लो आ गए सब लोग, अब तुम दोनों कहीं नहीं जा सकती। दीदी राधा ने पूरे परिवार को हमारी सच्चाई बता दी है। क्या हो रहा है यहाँ? और ये आपके बाल जी, आप लोग दोनों की हालत ऐसी क्यों हुई पड़ी है? क्या हुआ है? लगता है राधा ने इन सबको कुछ भी नहीं बताया। हमने पूछा क्या हो रहा है यहाँ, बताओ बताओ माँ को क्या हो रहा था?
उम्र गए बिटिया, अगर गलती से भी कद्दू ने ब्रेक खोल लिया तो राधा तो ठीक, पर कद्दू ये मुझे भी छोड़ सकी। क्या है ये? बैग। दीदी, दामिनी, हमें आप दोनों से बात करनी है। चलिए। अब इन दोनों की खैर नहीं है। केतकी। हाँ मम्मी। हमारी बहू बहुत मुश्किलों के बाद इस घर में वापस आ रही। उसके स्वागत की तैयारियां करो। स्वागत? हाँ बेटिया, बहू की इस घर में वापसी होगी और हमारे इस घर से तो क्या, ये घर, उसके बाद ये शहर, फिर देश और दुनिया से ही निकाला हो जाएगा। तो लारी, दीदी की मदद करना। चलो कद्दू, चलो। तैयार हो? चले? मतलब हम मुड़ जाए? मुड़िए। बिंदु सखी मोरे पिया घर आए, हेरी सखी मोरे पिया घर आए, भाग्य लगे इस आंगन को, भाग्य लगे इस आंगन को, अपने मोहन की मैं बल बल जाऊं, अपने मोहन की मैं बल बल जाऊं, चरण लाग्यो निर्धन को, चरण लाग्यो निर्धन को, हेरी सखी मोरे पिया घर आए, प्रसाद का थाल सजाए, देख सुरतिया अपने मुहान की, खो गई मैं तो सदबुध रे, एरी सखी मोरे पिया घर आए। घर भी चलना या फिर यही हॉस्पिटल में रहना है? यही हॉलिडे मना लो। एक और बुक कर लेते हैं रूम। हैं? नहीं? चली लेते हैं फिर क्या है? ये सब क्या है दामिनी? दीदी, इतने सारे पैसे?
ये कहाँ लेकर जाने का इरादा था? अब आएगा इनका सारा सच सबके सामने। एक्चुअली मैं तो पैसे लेके हॉस्पिटल ही आ रही थी। वो राधा को डिस्चार्ज भी तो करवाना है ना, तो बिल तो पे करना ही होगा। ओ हाँ, राइट 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 राइट। इतने सारे पैसे, बैग भर के पैसे, तुम लेकर हॉस्पिटल आ रही थी डिस्चार्ज पेपर्स के लिए। राइट। और बैग में क्या है? ये क्या है दीदी? ये दामिनी, अब और कोई झूठ बोलने की कोशिश मत करना। मैं जो सवाल पूछ रही हूं उसके सच सच जवाब देना दीदी। आप कुछ नहीं बोलेंगी, ना चू ना चा। दामिनी, राधा के साथ जो कुछ भी हुआ है क्या वो तुमने किया है? क्या उसे कोल्ड स्टोरेज में तुमने बंद किया था? नहीं! दामिनी! क्या उसे मारने की कोशिश तुमने की थी? क्या ये पैसे लेकर इसी वजह से तुम दोनों ये घर छोड़कर भागने की कोशिश कर रहे थे? हाँ माँ,